लगा दीजिए नोएडा का ट्विन टावर किया जा रहा था। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर और बहुत बड़ा धमाका और वो जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी और ये दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी हैं, लेकिन धुएं का जो गुबार है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जो लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि धुआं कैसे होगा, पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाएगा, ये धूल का गुबार उम्मीद हम कर सकते हैं कि आसपास के घरों में जो लोग मौजूद हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये जोरदार धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है और वो बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अचानक से ही ये ट्विन टावर 30 मंजिला ये ट्विन टावर धराशायी होते हैं। जोरदार आवाज आती है, चारों तरफ कंपन महसूस किया जाता है। इस वक्त हम 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां पर भी एक अलग तरह का वाइब्रेशन महसूस किया गया। और आपको बता दें जोरदार धमाके के बाद हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आसपास कुछ बिल्डिंग जरूर हैं, लेकिन ईश्वर न करे किसी दूसरी बिल्डिंग किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा हो। आसपास की कुछ बिल्डिंगें इस समय जरूर हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो जो ट्विन टावर थे, जो गगनचुंबी दोनों ही इमारतें थी, वो धराशायी हो चुकी हैं और धुएं का ये गुबार आप देख पा रहे हैं। जोरदार डस्ट अपने साथ लेकर आए हैं और वहां पर मौजूद जो, और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त लाखों की तादाद में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जितना भी ग्रीन बेल्ट का एरिया है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। अपने हाथों में मोबाइल कैमरे लिए हुए अलग अलग हिस्सों में लोग इसका गवाह बनना चाहते थे। और जब धीरे धीरे ये धुआं जब कम होगा फिर वहां की तस्वीर साफ हो पाएगी कि एक्चुअल कंडीशन अभी वहां की है क्या, क्या दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है या वास्तव में जो दावा किया जा रहा था उस दावे के मुताबिक किसी और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे जो गुबार है, जो जबरदस्त तरीके से धुएं का गुबार, वो अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी आसपास कुछ दिख पाना इतना दिख पा रहे हैं में। जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनी, हिंदुस्तान ऐसा हुआ है दो इमारतों को ब्लास्ट करके गिरा दिया गया हो, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है धुएं के काम स्पेशल कैमरे से। आज तक के कैमरे से जरा गौर से देखिए ये इमारत जो खड़ी थी और उसके बाद जोरदार ब्लास्ट
ब्लास्ट होता है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और फिर कुछ देर में धुएं का गुबार किस तरह से पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। आज तक के स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पूरा का पूरा हिस्सा काले धुएं के गुबार से भर गया। उम्मीद हम कर सकते हैं कि कम से कम दूसरी जो तमाम और बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई हो। हालांकि इलाके को पूरी तरह से खाली करा जा चुका था, वहां से लोगों को निकाला जा चुका था, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा हो। या जो ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हों। हालांकि अभी आपको बता दें, अभी की तस्वीरें धीरे धीरे करके जो धुआं है वो अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, जिसके बाद वहां की दूसरी इमारतों को हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या कई दूसरी इमारतें भी इसकी चपेट में आई हैं? यह सब कुछ कहे के मुताबिक हुआ, यानी कि फवारे की तरह यह अचानक एक ही जगह पर गिरा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन आज तक पर स्पेशल कैमरे से स्पेशल इफेक्ट के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का ट्विन टावर ढहा दिया गया, नोएडा का भ्रष्टाचार में लिप्त ये टावर, जिसके गठजोड़ ने बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान के सामने खड़े किए थे, स्पेशल इफेक्ट के जरिए अपने स्पेशल के जरिए आज तक दिखा रहे हैं। आज तक पर जब इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया, गिराया गया, जमींदोज किया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, तब की परिस्थिति क्या बनी हुई थी, हमारे स्पेशल कैमरे वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाए हैं।